نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل أقدة من لساني يفقه قولي رب زدني إلما اللهم ربنا زدنا إلما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون फकुल पसखाओ मीमा रजा उस में से जो रिस्क दिया तुम्हें अल्लाह अल्लाह अल्ला ने हलाल और तो हलाल और पाक वशकुरु और शुक्र करो नामत अल्लाह अल्ला की नेमत का इन तुम अगर हो तो या खास उसके सिर्फ उसी की ताबून तुम इबादत करते मुश्रकिन ने अल्लाह अल्ला ताला की नीमतों की न शुक्री की अल्लाह के साथ शरीक बनाए तो इसीलिए अल्लाह सब तला यहाँ पे ईमान वालों से मुखातिब है और उनको रहे हैं अगर तुम वाकई सिर्फ अल्लाह की बंदगी करते हो अल्लाह की इबादत करते हो अल्लाह को चाहते हो जैसा कि ईमान वालों का दावा भी है तो फिर क्या करो अपनी अक्ल और मसलहत की बलबोते पर किसी चीज को हलाल या हराम करार ना दो जैसा कि मुश्किन ने किया था ना अपनी मर्जी से हलाल और हराम के पैमानों को डिजाइन किया और उसके मुताबिक जो चीज़ें हलाल होती हलाल करा देते दे थे हराम अपनी मर्जी से हराम करा देते दे थे उनके पास बहिया और साबा वगैरह इनको वो हराम करार देते थे अल्लाह कहीं भी भी अल्लाह का हुक्म नहीं और फिर इसको हलाल रख रखा हुआ था उन्होंने तो जिन्हें अल्लाह ने हराम करार दिया वो उनको हलाल कर लेते जिनको अल्लाह ने हलाल करार दिया ये उनको अपने ऊपर हराम कर लेते तो अल्लाह यहाँ पे ईमान वालों से मुखातिब है कि तुम्हारे लिए हलाल हराम के तक ये है कि तुम अल्लाह के रिस्क में से पकीजा चीजों को खाओ और जिनको अल्लाह ने हलाल करार दिया उनको खाओ जो तयब है जो पाक है और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो इंसान नियमतों का शुक्र तभी अदा करता जब वो मालिक के मुताबिक चीजों के इस्तेमाल को देखता है और लाता है क्योंकि फिर इंसान मेंटली तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी बातनी लिहाज से भी थोड़ा मुतमिन होता है लेकिन जब हम हलाल हराम में फर्क नहीं ना करते तो फिर एक चीज तो ये आती है कि तहीब चीजें जो है ना मोस्टली हराम चीजें वही हैं जो तहीजीब नहीं जो इंसान के सेहत के एतबार से और खाने के एतबार से तयीब चीजें कौन सी होती हैं जो खाने में खुश जायका हो उनकी उनकी स्मेल भी अच्छी हो उनका कलर भी अच्छा हो और इंसान उसको खा भी सके तो अल्लाह सबल ता ने जिन चीज़ों को हलाल और हराम करार दिया उनके बारे में हमें जरूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि क्या चीज़ पाक है क्या पाक नहीं क्योंकि जो इंसान खाता है ना तो उसकी तस्र इंसान के अंदर बहुत हद तक होती है इबादत भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है अच्छा ना खाए तो खाते वक्त भी इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि ये चीज मेरी इबादत पर असरअंदाज तो नहीं करेगी ठीक है तो इसलिए मतल्लाही। अगर तुम अल्लाह की रिमतों का शुक्र अदा करते हो तो फिर उसकी इबादत करो इससे एक चीज पता चलती है कि शुक्र का एक तरीका ये है कि इंसान इबादत करे बंदगी में और बढ़ता चला जाए जब हम शुक्र करते हैं हम कहते हैं हमें जब अल्लाह की नियम तरफ से नियमते और मिलती जाती है ना तो हम शुक्र करते हैं लेकिन हमारी बंदगी वाला जो अल्लाह के साथ रिश्ता होता है वो है रफ्तार कम होने लगता है ठीक है।, है तो इसलिए शुक्र इंसान को इस सूरत में करना चाहिए कि उसकी बंदगी में अजाफा हो जी हम ये आयत पढ़ने लगे हैं कि अल्लाह ने इनमा हरमाई तथा बेशक अल्लाह ने हराम किया तुम पर मई तथा से मुराद क्या है मुर्दार वद्दमा और खून वह और गोश्तर हिंजीर का वमा माँ उहिल्ला और जो गैरुल्लाह के लिए गैरुल्लाह के नाम पर पुकारा जाए गैरुल्लाह के नाम पर खास कर दिया जाए वो भी अल्लाह ने हराम करार दिया यहाँ पे जो चीजें हराम हैं मुसलमानों पर जो अब तक के लोग हैं उन पर कौन कौन सी चीज है मुर्दार मुर्दा नहीं खा सकते वो मुर्दा चाहे गधा हो वो मुर्दा बकरी हो वो मुर्दा इंसान हो सिर्फ मछली जो है ना मछली उसको हम दो मुर्दार हलाल एक टिडी और एक मछली समंदर में जो रहती है मछली वो जो है वो वो मुर्दा भी हो क्योंकि जब हम उसको बाहर निकालते हैं पानी से तो वो पानी के बगैर तो जिंदा नहीं रह सकती तो वो मुर्दा हरत में हम तक पहुंचती है तो वो बस हमारे लिए हलाल है वह दमा और खून खून भी अल्लाह ने ईमान वालों पर हराम करार दिया है लेकिन जो जमा हुआ होन होता है ना कलेजी जो हम इस खाते हैं उसकी इजाजत है ठीक है उसको हम यूज कर सकते हैं ये होन जो बहता हुआ होन है ना जो हम होन गोश्त के साथ लग जाता है उसको दो दो भी तो वो नहीं आ, उतरता अगर खत्म नहीं होता है तो उसकी बाहत नहीं है लेकिन जो बह बहा हुआ होन है जैसे उसको पीना तो वो हलाल नहीं है वो हराम है कुछ लोग जो जो नॉन मुस्लिम हैं उनमें मेरा है है कि ये चीजें ना खून वगैरह वो पीते हैं ठीक है, है खून लगवाना वो एक अलग चीज आ जाती है लेकिन खून हम पी नहीं सकते ये हराम है मुर्दार भी वद्दमा और खून भी वाला और का गोश्त ऐसा जानवर है जो बड़ा नापाक है इसका नाम भी नहीं हम जुबान पे ले सकते इवन की इशारतन इसके बारे में ना बोला जाता है लेकिन आप इस चीज का अंदाजा कीजिए कुरान में इसका नाम है तो कुरान तो हम पढ़ते हैं ना इस वजह से जी यही मैं आपको बताने वाली जीर का नाम ने तो चालीस दिन जुबान नापाक होती है बिल्कुल भी कुरान में भी दूसरे पारों में भी हम पढ़ के आए हैं जी इस बारे में भी है बल्कि इस आयत का कुरान में यानी ऐसी जो आयत है उसका चार मरतबा जिक्र है सूरत मायदा में भी सूरत बाकरा में भी सूरत नाम में सूरत नहल यहाँ पे जो हम पढ़े तो चार मुकामात पर इन चीज़ों चारों चीजों का जिक्र है चौथी चीज जो हराम है वो क्या है पहले तीन चीजों पे तो हम पहले चीज तीन चीजों को अच्छे तरीके के साथ हम करते हैं फॉलो भी करते हैं जी मुर्दार नहीं खाना खून नहीं पीना गोश्त ने खमजीर का खाना लेकिन जब बात चौथी की आती है ना फिर कोई भी चीज़ खलाल हो वो चावल है वो खीर है वो रूह है वो किसी भी तरह का कोई सालन है अगर उस पर गैरुल्लाह का नाम ले लिया जाता है वो गैरुल्लाह के नाम पर खास कर दी जाती है तो ऐसी चीज जितनी भी लजीज क्यों ना हो ये इन तीनों चीजों से ज्यादा नापाक हो जाती है जब उसके ऊपर किसका नाम लिया जाता है का मसलन कर, आ, कहा जाता है गंज गंजब्श का बकरा फिर फला शाह का मुर्गा तो चाहे उसके जिबा करने से पहले ही उसका नाम हला, कहा जाता है ना ये फला पीर के नाम पर खास कर दिया गया ठीक है तो फिर वो हराम हो जाता है ओहिल्ला का मतलब होता है आवाज बुलंद करना यानी जिस पर गैरुल्ला का नाम आ गया उसमें ऐसी खबासत आ गई जो मुर्दार में भी नहीं है क्योंकि मुर्दार पर तो सिर्फ अल्लाह का नाम लिया लिया गया लेकिन इस पर अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का नाम लिया गया और इसके खालिक के सिवा दूसरे के नाम पर भीड़ चढ़ा दी गई तो ये चीजें क्या हो जाती हैं हराम हो जाती वो चाहे जितने मर्जी लजीज चावल ही क्यों ना हो इसलिए अगर किसी दरबार से आपके यहाँ इस तरह की कोई चीज आती है तो आपको पता भी है कि फला इंसान के नाम पर इसको खास किया गया तो उसका खाना खराब है अगर पता चल जाए तो आप बिल्कुल भी नहीं इसको खा सकते अच्छा इसमें ना दो चीजें आती हैं जो ख़त्म है आज जब कोई हो तब किया जाता है उसमें अब हमें नहीं पता कि वो गैरुल्ला का नाम लेते हैं या अल्लाह का लेते हैं ठीक है तो अगर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए तो चीज बिल्कुल हराम हो जाती है जैसे हंजीर हराम है ना हंजीर कितना नपाक हम समझते हैं उसको और फिर मुर्दा नहीं खा सकते खून नहीं पी सकते जैसे ये तीनों चीजें हराम है वैसे ही अगर किसी चीज पर का नाम अल्लाह के अलावा किसी और का नाम दिया जाए जैसे शाह अब्दुल अब्दुल्ला के नाम पर जो जुमरात को और बारहवीं शरीफ का भी इस तरह से इस तरह के कुछ डेज हैं जो खास किसी इंसानों के नाम पर जो है ना अः किए जाते हैं और उनके नाम का खाना बनाया जाता है तो अब जो है खत्म पर अगर कोई कहता है कि हमने गैरुल्ला का नाम नहीं लिया ठीक है हमने तो कुरान पढ़ा है हमने इसके ऊपर नाते पढ़ी हैं कुरान पढ़ा है हमने जिक्र किया तो ये हराम नहीं, तब वो बिदत में आ जाता है खाना गर्चे हराम नहीं होता लेकिन वो काम बिदत में है अगली आयत में हम वही पढ़ेंगे क्यों क्योंकि उसका ना अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया ना अल्लाह ने दिया ना उसका दीन में कोई कॉन्सेप्ट है इसलिए हर बिदत गुमराही है बिदत का हमें बाइकॉट करना चाहिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका खाना हराम है लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये बिदत है और बिदत का बाइकॉट करेंगे तो दूसरों को भी हम इससे बता सकते हैं कि ये चीज जो है ना इस्लाम के अंदर नहीं है अब आप कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम लिया गया है कि नहीं लिया गया इसीलिए तो कहा जाता है कि एहतियात करनी चाहिए ना जहां पे भी ये सब कॉन्सेप्ट है कोई हमें अब हमें नहीं पता कि कौन खत्म पड़ता है और उसने क्या क्या पढ़ा है अब हम जाकर उसे पूछ भी सकते पूछेंगे तो अगला हमें हमारे हमें मुतमिन करने के लिए कुछ भी कह सकता है तो इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए हमें परहेज करना चाहिए अच्छा बिदत इसलिए कहा गया है कि हम फतवा नहीं ना दे सकते ये कि खाना हराम है लेकिन काम बिदत है ना बिदत वाला काम है तो फिर हमें उस अगर हम खाएंगे तो हम स्पोर्ट तो कर रहे हैं ना कि हम खुद तो नहीं खा रहे लेकिन स्पोर्ट तो कर रहे हैं तो जब हम ऐसे बिद्दत का स्पोर्ट करेंगे बिद्दत पर स्पोर्ट करेंगे तो फिर हमने कुरान में बरहा पढ़ा है कि नेकी का साथ देने वाला उस नेकी में शामिल हो जाता है गुनाह का साथ देने वाला गुनाह में खैर बिदत गुमराही या गुमराही तो जहन्नम में ले जाने वाला काम अब अगर हम देखें और भी बहुत से काम ऐसे हैं जो दीन के अंदर नहीं है और हमने किए हुए हैं तो अगर हम खुद नहीं करते लेकिन उनमें शरीक हो जाते हैं ठीक है तो हम सपोर्ट कर रहे हैं ना इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि मसलीहत के साथ खाने से कम से कम अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो अपने आप को खाने से तो बचा सकते हैं ठीक है इसलिए मोस्टली जो मिलाद वगैरह ना उस पर भी मुझे जिस हद तक इंफॉर्मेशन है वहां पे भी गैरुल्ला का नाम किसी ना किसी तरह ले लिया जाता है क्यों कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा अल्ला फिर नबी भी आ जाए ना तो फिर वो अल्लाह के अलावा ही है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से और कुछ नातें ऐसी पढ़ी जाती हैं जिस बहुत से शर्कया कलिमात होते हैं जो अल्लाह के साथ शरीक बनाया जाता है कि अल्लाह जैसा मुकाम नबी को भी दे दिया जाता है तो अल्लाह के मुकाबले में किसी को भी खड़े कर दें जो फरिश्ता है वो नबी है वो कोई भी बुजुर्ग है वो कोई भी नेक बंदा है वो सब क्या है गैर अल्लाह वमा उहल्ला लिगैरल्लाह बिह जो अल्लाह के अलावा के नाम पर अहल कर दिया जाए अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के नाम पर कुर्बान किया जाए तो उसका नाम अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें अः करने का नाम है उखिला कोई भी चीज़ इवन के जो कैंडीज बांटी जाती है ना तो यहाँ जलेबियां बांटी जाती हैं मिठाई बांटी जाती है अगर वो गैरुल्लाह के नाम पर है तो वो भी नहीं हम खा सकते ठीक है तो इसलिए उसे हमें जो है ना अगर अच्छा ये चीज जो आप कहते हैं कि कोई घर में तो इसमें दो चीजें आती हैं अगर आपके अंदर ईमान इतना है कि आप जिहाद कर सकते हैं तो फिर आप लेने से इनकार करें ठीक है इसी तरह हम जिहाद कर सकते हैं ना जिहाद तो यही है इसी चीज का नाम है तो लेने से इंसान क्या करे इंकार कर दे लेकिन अगर आपको लगता है कि इनकार करने से फितना बढ़ेगा और मेरे लिए क्योंकि कुछ घराने पूरे के पूरे इस चीज के साथ होते हैं और वो तो ही प्रस्त होते हैं तो उन लोगों को पता होता है जैसे कि अब हमारे गली मोहल्ले के अंदर इस तरह का कोई हो तो वो हमारे घर में नहीं बेचते क्योंकि उनको पता है कि ये नहीं खाएंगे और ये अगर दिया जाए तो ये मना भी कर देंगे ठीक है इसलिए अगर तो इतना ईमान है कि जिहाद कर सकें तो इनकार कर दें बड़े प्यार से कि हम आपको कुछ नहीं कहते लेकिन जो इल्म हमारे पास है ना हमें लगता है कि ये चीज जो है ना नहीं हम खा सकते लेकिन आपको लगता है कि फितना फैलेगा तो फिर ये है कि फिर आप खामोशी से रख रहे हैं और फिर आप किसी को दे दें अच्छा अगर फोतगी का खाना फोतगी वगैरह तो नहीं दिलवाया जाता क्योंकि फोतगी वगैरह पे तो खाना बनता है तीन दिन तक जो भी आते मेहमान उनको खिलाया जाता है तो अगर आपको अंदेशा है कि पढ़, पढ़ा जाता है तो फिर उस चीज से जितना हो सके परहेज करें आगे आद आग। अगर मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि ना वो सरकशी करे ना हाथ से गुजरे गैरा बाग इसका मतलब ये है कि अगर कोई बहुत ज्यादा भूखा है और उसके पास कोई चारा ही नहीं इसके अलावा कि वो इन चारों चीजों में से कोई खा सके इनमें से कोई एक चीज मैसर है तो फिर क्या करे गई ना सरकशी करे वला आदिन, ना हद से गुजरे यानी फिर वो अपने आप पर जुल्म भी ना करे ये ना हो कि वो मरने वाली हालत को पहुंच जाए और वो कहे कि मैंने नहीं खाना अल्लाह ने इतनी रुख्सते दी है कराहत महसूस करते हुए खा ले लेकिन इतना पेट भर के ना खाए कि वो उसके मजे लेने लगे वाला आद ना हद से गुजरे लिमिट्स में रहे ठीक है तो जहाँ कहीं आप जैसे कह रहे हैं कि दूर कहीं गए हैं और कोई चारा नहीं है और आप भूखे भी हैं आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर गैरा बाग यूं इस पे अमल की जा सकती है जी नौ दस मुहर्रम पर भी घर में खाना आता है नौ दस मुहर्रम में भी मोस्टली खैरुल्लाह के नाम पर ही दिया जाता है तो वही बात है ना कि काट करने की कोशिश करनी चाहिए मसलहत के साथ इखलाक में रहते हुए ताकि एक दो दबाव एक दो बार हम जब इन, मना करते हैं ना तो फिर नेक्स्ट टाइम उनको पता चल जाता है शुरू में बस जिहाद करना मुश्किल होता है फिर बाद में अंदाज़ा हो जाता है फफुर अल्लाह कहते हैं जो पहले हो गया जो पहले काम कर लिए पहले अगर के नाम से खाना खा लिया किसी दरबार पे जाकर किसी पीर फकीर के नाम का तो अल्लाह रहम करने वाला बख्शने वाला है अल्लाह से तोबा करें अल्लाह सबको माफ फरमा देंगे लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना किसी को और जैसे किसी की इज्जत नफ्स बड़ी महफल में मजरू नहीं करनी हलाल हराम की वजह से जब भी कभी बात हो बड़ी मसलहत के साथ इखलाक में रहकर ये बात करनी चाहिए क्योंकि हम दिन से इस वजह से लोगों को बहुत दूर कर देते हैं कि हमें चंद अल्फाज आ जाए ना तो हम समझते हैं कि पूरा दिन हमें आ गया हलाल हराम की तमीज का पता चल गया हम दूसरों को अः हर बात पे कि ये हलाल और ये हरान कुछ पे वो कुछ खाना निकाल कर उस पर हतम पढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं कि वो उसको पूरे खाने में मिला लेते हैं अगर तो वो पूरे खाने में मिला लेते हैं फिर तो वो पूरे खाने पर पड़ा जाता है अगर कभी कुछ लोग हैं रमजान के अंदर रोजा इफ्तार करवाते हैं तो ये केस एक हमारे बिल्कुल करीब है वहां पे भी ये पूछा गया था तो वो जो आलिम को बुलाते हैं वो सिर्फ अपनी प्लेट पर जो है ना जो उसके आगे पढ़ा होता है पर सिपता है और फिर खुद ही खा लेते हैं ठीक है तो उस सूरत में बाकी खाना जो है ना वो फिर वो गैर गैरुल्लाह के नाम पर नहीं अहल किया गया तो उसकी तो फिर इजाज़त होगी तो हम उसे खा सकते हैं इसी को तो कहते हैं ओहिल्ला ओहिल कि इंसान गैरुल्ला के नाम पर अहल कर दे अच्छा अगर आप ये कह रही हैं कि जैसे हमारे घर में कोई हमारा बड़ा फोत हो जाता है और हम कहते हैं कि हम ये बच्चों को खाना खिला रहे हैं ठीक है ताकि हाँ सदका जैसे देना होता है सदका दिया जाता है ना तो वो गहर के नाम पर अहल नहीं किया जाता जैसे किसी के नाम को उम्रा कर देते हैं और सदका खरात या जैसे हम पानी का कोई इंतजाम करवा देते हैं मस्जिद वगैरह बनवा देते हैं ठीक है तो उस सूरत में जी कुर खाने पर ना कुरआन पढ़ने की भी इजाजत नहीं है ये बिदत में आता है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना खा लिया तो बस इतनी ही इजाजत है तो अगर खाना सामने रख कर हम उस पर कुरआन पढ़ते हैं या उस पर प्रॉपर एक मछलीस लगा कर तो उसकी ना इजाजत नहीं है वो फिर बिदत में आ जाती है चीज जी अच्छी खबर और खुशी में कोई मीठी चीज बनती है तो वो हम खा सकते हैं बस दो चीजें याद रखनी है अगर गैरुल्लाह के नाम पर है जैसे प्रॉपर पता चल जाता है कुछ लोगों का ना और वैसे भी कुछ डेज ऐसे होते हैं खुद बहुत अंदाजा हो जाता है तो अगर खैर के नाम पर फिर तो हराम है और अगर दूसरा वैसे तो है और कुरान पढ़ा जाता है और कुछ अशार पढ़े जाते हैं तो फिर वो बिदत में आ जाता है तो हमें दोनों सूरत में एहतियात करनी चाहिए इफ्तारी पे गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया जाता लेकिन लेकिन कुरान पढ़ा जाता है खाने पर पुरान नहीं पढ़ सकते खाने पर हम सिर्फ बिस्मिल्लाह कहें और खाना खा लें जी जी जैसे हम सदका वगैरह देते हैं ना औलाद जो भी काम करती है उनके पेरेंट्स को उसका अजर सवाब पहुंचता है ठीक है वो अल्लाह के नाम पर ही दिया जाता है अल्लाह के रस्ते में हम दे रहे होते बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है पानी पे जो दम किया जाता है उसकी इजाजत है ठीक है और वो दम कैसे होगा पानी पे फूंक भी नहीं हम मार सकते क्यों इसे मना किया गया है दम कैसे हो आप लगाए अंदर उसकी इजाजत है खाने और पानी में फर्क है ना जी सफिया मकसूद आप जो सवाल पूछ रही है ना इसका आंसर ये है कि वैसे मोस्टली कहा जाता है कि खाना नहीं खाना चाहिए ना खाने की वजह यह होती है कि खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़, ऐसी चीजें मिलाते हैं जो हराम होती है ठीक है जैसे घोड़े वगैरह का लोआब वगैरह इस तरह की चीजें ना जो इस्लाम में जायज नहीं है और हराम है इस वजह से कहा जाता है कि उनके घरों में से अगर कोई खाना आता है तो एहतियात करनी चाहिए वैसे तो अहले किताब के साथ भी हम बैठ के खा सकते हैं अगर इस पहले भी डिस्कशन हुई थी कि अहले किताब के घर से अगर कोई खाना आता है तो क्यों नहीं खाया जाता उसकी रीजन भी अल्लाह ने बताई कि उनके बर्तनों में शराब और हराम चीजें जो है बनती हैं इस वजह से उनके बर्तनों में खाना जायज नहीं है ठीक है अगर इस चीज का अंदाजा हो कि वो हराम चीजें इस्तेमाल नहीं करते तो फिर इंसान खा सकता है लेकिन अगर हमें पता है और वैसे मोस्टली ऐसे भी होता है कि वो तबरों के लिए कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं तो उस सूरत में फिर वो चीज़ हराम हो जाती है ना तो फिर उसकी उसे परहेज करना चाहिए अहले किताब और मुसलमानों में बिल्कुल फ़र्क है लेकिन कुछ लोग तबर्रु तब के लिए अपने खाने के अंदर कुछ चीजें ऐड करते हैं जो कि इस्लाम के अंदर जायज नहीं है इल्म की कमी की वजह से या अपने अकायद की वजह से शराब वगैरह के अलावा भी अब देखें उनकी जो जो मेरे सुनने में बात आई है कि जैसे घोड़ा है तो उसके लुआब को शामिल किया जाता है रीजन अहले किताब का जिक्र करने की वजह यह है कि रीजन क्या है ना खाने की इसके अलावा अगर आपको इस चीज का आप पूरे यकीन है आपको कि वो पकीजा है खाना और उसमें ऐसी चीजें कोई शामिल नहीं तो इंसान फिर खा सकते हैं उनके साथ बैठ के भी खा सकते हैं जैसे हम बाय पार्टी वगैरह करते हैं तो फिर वो ईसाई हो या कोई भी हो मुसलमान हो और किसी भी आ, मसलक से ताल्लुक रखता हो हमें नफरत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और ना ही जब हम बचपन में होते हैं ना तो हमें इन चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं होती और हम लगा देते हैं जो हमने घरों से सोना होता है जी तो बस जब आपको पता हो तो तब आप जो है ना उस चीज से थोड़ी एहतियात बरते बिल्कुल पी सकते हैं बिल्कुल पी सकते हैं अल्लाह ताला हम सबको हलाल और हराम में फर्क करने वाली सोच अता कर दे बस हम सोच हमें मिल जाए ना और एक चीज हमेशा बस याद रखिए कि ये चीजें हम मुसलमानों के अंदर भी आ रही हैं तो बस नफरत नहीं फैलानी चाहिए कोई भी काम करे ना तो मसलहत के साथ जरूरी नहीं कि डंडोरा पी के ही इंसान हर काम कर सकता है जहां पे बोलना आपको लगता है कि जरूरी है बात करें जहाँ पे फितने का अंदेशा है तो वहां पर हमोशी एख्तियार करनी चाहिए तसिफ अलसनाबा और इसकी वजह से जो तुम्हारी जुबान झूठ कहती हैं हाजा हलाल वहाराम है और ये हराम है लिफफ्ता रू ताकि तुम अल्लाह पे झूठ बांधो लिफफ्ता रू अल्लाबादी बेशक वह लोग जो अल्लाह पे झूठ बांधते हैं वो फला नहीं पाते ठीक है तो जो भी हम अल्लाह के बारे में गुफ्तु करते हैं कि ये चीज़ जैसे कि ने मक्का ने अपने लिए कुछ चीज़ें हलाल कर ली थी कुछ चीजें हराम कर ली थी तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की हैं वो हलाल है और अल्लाह ने जो चीज़ें तुम्हारे लिए हराम करार दी है ना वो हराम है अपनी तरफ से मनसूब नहीं करनी चाहिए और हाँ जो अल्लाह ने हराम करार दिया उसका इस्तेमाल करना होया कि अल्लाह पर जूठ बांधना जरूरी नहीं कि हम प्रॉपर कहें कि अल्लाह ने ऐसा कहा है अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा जब हम वो चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं जो अल्लाह ने हराम करार दिए ना तो फिर वो अल्लाह पे जूठ बांधना ही होता है अल्लाह कहते हैं मता उन कलील ये थोड़ा सा फायदा है उन फिर क्या होगा कि उनके लिए दर्दनाक असाब है दुनिया में कुछ फायदा हासिल हो जाएगा पूरी दुनिया तो नहीं मिलेगी लेकिन ये सामान हर हाल में खत्म हो जाने वाला है फिर उनका हमेशा ठिकाना जानूम है मुशरकिन के पास बहुत सी इस तरह की मिसालें हैं जिसमें उन्होंने हलाल को हराम और हराम को हलाल करार दिया इस आयत में हर वो शख्स दाखिल हो जाता है हाफि इतने राह महुल्ला कहते हैं कि ईसाइत में हर वो शख्स दाखिल है जो दिन में कोई भी नई बात बिदत इजाद ईजाद करता है जिसकी कोई शरी दलील ही नहीं वो महज अपनी अक्ल और राय से अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों के हराम और हराम करदा चीजों को हलाल होने का फतवा देता है तो सिर्फ अकल की बिना पर कोई रीजन होनी चाहिए जैसे आपने क्वेश्चन किया ना कि फला के घर का खाना हलाल है या हराम है तो हम अक्ल की बिना पर तो नहीं कुछ पीस के बारे में कह सकते हमारे पास कोई ठोस दलील होनी चाहिए ना कि रीजन क्या है क्यों हलाल कहें और क्यों हराम कहें वजह भी तो होनी चाहिए ना तो वजह सिर्फ एक ही होती है कि कोई भी चीज जो अल्लाह ताला ने हराम करार दिया ना वो हराम वो वाली चीजें जब शामिल हो जाती हैं हमारे खानों में तो फिर वो हराम है अदरवाइज खाना सारा हलाल है किसी इंसान की अः इंसान की वजह से खाना हलाल हलाल हराम नहीं होता खाने के हलाल और हराम होने की जो रीजन अल्लाह ताला ने बताई हैं उस वजह वजुआ, उन वजूहत की बिना पर ही कोई चीज़ हलाल या हराम होती है हमारे अपने अकायद की बिना पर नहीं होती और हदीस भी है ना सही बुखारी की कि जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला वो क्या है अल्लाह ताला की तरफ से उसको सजा मिलेगी वो अपना ठिकाना जहन्नम बना लेगा तरकीकत वो अल्लाह पर जूठ बा इंसान इसकी अपनी अकल की बिना पर और अपनी कम की बिना पर हम किसी को हलाल और हराम का फतवा नहीं दे सकते ठीक है खुद हमें वाकई ही रिसर्च करनी चाहिए और कुरान और अदीस को मद्देनजर रखते हुए भी फैसला करना चाहिए वो हरम नाक अली और उन लोगों पर जो यहूदी हुए हमने वो चीज़ें हराम की जो हमने तुझसे इससे पहले बयान की यानी जो पहले अल्लाह ताला ने खून, मुदार और खनजीर और गैरुल्ला के नाम पर जो चीजें अहल कर दी जाए उनको हराम करार दिया यही चीजें अल्लाह ने यहूदियों पर भी हराम करार दी थी लेकिन यहूदियों ने क्या किया उनके जुल्म की वजह से उन्होंने उनके ऊपर और चीजें भी खराम कर दी गई वाहम्ला कहते हमने उन पर जुल्म नहीं किया वो अल्लाह की अपनी पर खुद जुल्म किया फिर उन पर चर्बी भी हराम हो गई फिर उन पर वाले ना बजार ना हो वाले जो, जो जानवर होते हैं जैसे शीतलमर्ग है उसका जो आपने अगर पाओ देखा हो तो एक ही नाखून होता है मतलब वह सारे जुड़े होते हैं आपस में तो जो जुड़े हुए जिनके हो ना जैसे पंजा हो तो वो उन पर हराम थे और जो जिनकी अलग अलग फिंगर्स हो ना हो अलग-अलग हो ना तो वो उन पर हलाल थे तो अब तो अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से हलाल कर दिया है लेकिन उस वक़्त उनके जुल्म की वजह से उन पर ये चीजें हराम की गई थी और फिर नबी अलैहि वसल्लम के आने पर उनकी हरमत जो है वो खत्म हो गई और सिर्फ वही चीजें हराम की गई जिनका हराम होना बतौरे सजा नहीं बल्कि मसलहत और राहमत था रबीनाबी जहा फिर बेशक रब उन लोगों के लिए जिन्होंने जहालत से बुरे काम किए सुम तूबो फिर उसके बाद उन्होंने तोबा कर ली जाली का वह और फिर उन्होंने इस्लाह की इन्ना रब्बादी बेशक तेरा रब बहुत बख्शने वाला नहाय रहम करने वाला है तो इस आयत में अल्लाह ताला ने तमाम गुनहगारों को वो यहूदी हो या ईसाई हो या मुशरिक हो या मुसलमान हो सबको तोबा और इस्लाह के बाद मगफिरत और रहमत की खुश अबरी यहाँ पे सुनाई है ठीक है तो जहालत का यहाँ जो मतलब है वो क्या है ला इल्मी लोग समझते हैं ना जहालत का मतलब क्या होता है ला इल्मी लेकिन जहालत का जब कुरान में जिक्र आता है खासतौर पे यहाँ पे जो जिक्र है उसका मतलब है बेवकूफी और अकड़ करिया, दिखा कर उखड़पन दिखाकर कोई काम ना करना ठीक है बेअकली के काम इंसान तभी करता है जब इंसान बेवकूफ बनता है सब कुछ जान कर भी इंसान को समझ नहीं आती और वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करते हुए काम कर लेता है सब कुछ जानकर भी फिर इंसान खुद को ही एक्सक्यूज़ेस अपने सामने रखता है अच्छा ये काम ऐसे है ऐसे तो जायज होना चाहिए खुद ही अपने सामने अपने दलाल रखता है तो फिर सब कुछ जान कर भी जो काम करे फिर वो जालत पे है ना इसलिए हर गुना ला इल्मी से हो या जानबूझकर हो वो बेवकूफ़ी और जहालत से ही होता है इस्लाम से पहले वाले जमाने को भी इसीलिए जमाना जाहिलियत कहा जाता था कुछ लोगों को पता भी था कि ये काम गलत है लेकिन क्या होता था कि जान कर भी वो अपने आप को उस गुनाह से नहीं निकाल पाते इसलिए जहालत से किया गया कोई भी काम अगर इंसान उसके बाद तोबा कर लेता है अपनी सलाह कर लेता है तो अल्लाह ताला उस इंसान को माफ कर देते हैं इंशाल्लाह इस साइड पे हम कल फिर डिस्कशन करेंगे कि तोबा اور اصلاح کیسے کرنی چاہیے اور یہ کیوں ضروری ہے پھر انشاءاللہ اگلا رکو بھی شروع کریں گے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك علیک السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ